हरियाणा में मनरेगा मजदूर और आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंचकूला पहुंचकर मनरेगा मजदूर और आशा वर्कर्स के धरने का समर्थन किया। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया कि आशा वर्कर्स और मनरेगा मजदूरों की मांग को कांग्रेस विधानसभा में उठाएगी। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मनरेगा मजदूर और आशा वर्कर्स इंतजार कर रहे हैं कि खट्टर सरकार बातचीत कर उनकी मांगों का समाधान करे, लेकिन सरकार की तरफ से इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वही शुक्रवार को रोहतक में आशा वर्कर्स के ऊपर हुए लाठीचार्ज की भूपेंद्र हुड्डा ने कड़े शब्दों में निंदा की। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिस तरह से आशा वर्कर्स के साथ व्यवहार किया गया उसकी मैं निंदा करता हूँ। सरकार को उनसे बातचीत करके इनकी मांगों का समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने इसके साथ ही बीजेपी जेजेपी को फेलियर सरकार बताया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार जनहित के लिए एक भी फैसला करने में असमर्थ है। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी आशा वर्कर्स की आवाज़ उठाई। आप भी सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा। और यहाँ उन्होंने बताया आशा वर्कर्स से कि उनको अरेस्ट कर लिया गया, मतलब उनसे बातचीत करके समाधान निकाले। सरकार की तो जिम्मेवारी है बातचीत करे, जितनी समस्या हो सकती है उसका समाधान निकाले। कोई इस तरह सरकारें नहीं चलती है जो बहन बेटी की बात ना सुन के। ये उनका उनकी कम से कम जो आशा वर्कर्स हैं उनसे बैठ के वो कहते हैं जो बात ही नहीं करे। हमारे सरकार की जिम्मेवारी उनसे बैठ के बात करें, बात के लिए उनको निमंत्रण दें या कोई अवसर जाके वहाँ पे से बात करें उनसे। इसी प्रकार मेट जो है मनरेगा के, उनकी भी कोई उनसे भी किसी ने बात नहीं करी। ऐसा प्रतीत होता जैसे सरकार है ही नहीं प्रदेश में, सरकार की कोई जिम्मेवारी ही नहीं है, सरकार की कोई नियत ही नहीं है। सरकार का कहना है कि हरियाणा में आशा वर्कर्स का मानदेय देश में सबसे ज्यादा है, फिर भी वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी ज्यादा था लेकिन उनकी समस्याएं हैं, उनसे सुनना चाहिए। देश में सबसे ज्यादा तो है, पहले से है, कोई अब नहीं है। और अब भी पता नहीं ज्यादा है नहीं ज्यादा, लेकिन स्टेट को भी जिम्मेवारी देते हैं वो। आशा वर्कर जो है बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो उनकी ड्यूटी का परफॉर्मेंस नहीं है, तो उनके वो सोचना चाहिए। इधर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में मनरेगा मजदूर काफी लंबे समय से पंचकूला के सेक्टर 5 में आंदोलन कर रहे हैं। मनरेगा मजदूर नरवाना से चंडीगढ़ तक साइकिल यात्रा तय करके पंचकूला पहुंचे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आशा वर्कर्स भी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से हड़ताल पर है। आशा वर्कर्स ने आज रोहतक में हुए लाठीचार्ज और गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका। आशा वर्कर्स का साफ तौर पर कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।